राइडर मोड इज एक्टिव ब्रदर। वो बंदा ना बहुत डेंजर चला रहा है यार। और जीटी भाई खत्म इसके आगे तो है। डिलीवरी कॉस्ट पर कितनी है? कितनी है? 7000 रुपए। कॉर्नरिंग बंदे ने इसी मारा, देखो पैंट फट गई भाई की। कुछ भी साले गोली बेटा मस्ती नहीं। हल्लू हल्लू चलाओ या जब भी अगर आप आएंगे पाल के रास्ते पे, घाट का रास्ता है भाई, घाट में गोल गोल घूम के चक्कर आ जा रही। अरे भाई बोला कब खत्म होगा ये? भाई के साथ हादसा होते होते बच गया अभी। कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा भाई व्यू का। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ठीक है, भुसावल से हमने हमारा सफर स्टार्ट करे, हम लोग जा रहे हैं पाल, बने रहिए हमारे साथ में। बैलेंस गलती है भाई। देखो भाई देखो, कंटेंट मिल रहा। देखो देखो तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं हूं आपका दोस्त आफ्ताब, आप देख रहे हैं मेरा एक न्यू व्लॉग। कहाँ जाने वाले हैं वो मैं रास्ते में बताऊंगा आपको। और बस अभी जल्दी से उठा, फटाक से टायर प्रेशर चेक करा बाइक का, अभी मुझे लेट हो रहा है। 7:45 आज है 28 अप्रैल का दिन, संडे है आज एज इट इज़। भाई संडे को हम लोग ट्रिप पे ना निकले, वीकेंड पे हम ट्रिप पे ना निकले, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बन गया भाई प्लान रैंडमली, कौन कौन है साथ में और कहाँ कहाँ जाने वाले, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा बाइक पर बैठने के बाद। तो चलते हैं, हमारे ये व्लॉग हमारा होने वाला है, सेकंड व्लॉग होने वाला है हमारा, ये सेकंड मोटो व्लॉग। इससे पहले वाला आपने मेरा व्लॉग नहीं देखा तो गाइज प्लीज़ चेक इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड चलिए भाई शुरू करते हैं। चलो ठीक है, चलो निकलते, अल्लाह हाफिज़। तो भाई हम लोग निकल चुके अभी घर से, अभी इस वक्त हो रहा है 6:49, 7 बजने वाले भाई, तो आधा घंटा लेट हो गए भाई। हमारे जो राइडर लोग हैं वो थोड़ा सा डांटेंगे हमको। बोलेंगे कहाँ लेट हो गया भाई तू। तो कौन कौन है राइड पे? राइड पे जो है लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था जो ग्रुप था मेरे साथ में, ठीक है, तो उस ग्रुप के ही बंदे लोग हैं आज भी। तो भाई ये है, चलो भाई दो राइडर तो मिल गए हमको, बाकी के पूछना पड़ेगा भाई। ये जा रहा हमारा एक और राइडर। क्या भाई कहाँ है बाकी बाकी के राइडर? कहाँ है? आगे है क्या? ओ पब्लिक है भाई। और कोई आ रहा नहीं ना? आगे एक और आ रहा, ठीक है ना। ये भाई देखो गाड़ी कौन कौन सी आई, ले दिखा देता मैं एक बार। KTM 390 है, वही जो लास्ट ग्रुप में आप लोगों ने बाइक देखे थे वही राइडर लोग हैं। और भाई ये GT है भाई, क्या बात है यार। ये दिखा देता मैं आपको, भाई थोड़ा सा लेट हो गया यार, सॉरी यार। अरे भाई यार ये कौन सी है बाइक भाई? ड्यूक है, ड्यूक 250। हेलो भाई, हेलो भाई, हेलो ब्रो, ठीक है। 1 2 3 4 कितनी बाइक हो गई भाई? 3 4 5 6 ऑलरेडी हो गई। GT भाई कितना CC है ये? कितना CC है? 650 ना? सही आता है यार इसका लुक। 2 एग्जॉस्ट 1, हाँ 2 एग्जॉस्ट है ना इसको, 1 इधर 1 इधर है। सही है भाई, हाँ। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तो भाई हम लोग जा रहे हैं पाल, पाल जो है, पाल एक गांव भी है, पाल एक जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक हिल स्टेशन भी है। पाल मेरे यहाँ से कुछ आता है 48 किलोमीटर्स। बढ़िया व्यू भाई, बहुत ही अच्छा व्यू, ताप्ती नदी का पुल है ये। और अभी मॉर्निंग में पूरा सन राइज भी आ रहा है, पानी नहीं है भाई हमारी नदी में इधर ज़्यादा, ताप्ती नदी में।
पत्थर वत्थर दिख रहे, बारिश के मौसम में पानी बढ़ जाता इधर। एकमात्र टूरिस्ट स्पॉट है हमारे इधर का भुसावल का। ज़्यादा कुछ है ही नहीं भाई हमारे इधर घूमने के लिए। ये छोटा पुल है नदी का, तो ये इसके ऊपर लोग बहुत आते हैं शाम में ऐसे घूमने वगैरह, और यहाँ पर ऐसे रुक के बाजू में सेल्फी वगैरह भी ले लेते ब्रिज के ऊपर। अभी टाइम हो रहा 7 बजे, हमारा ऐसे प्लान था 6 बजे निकलने का प्लान था अपना, बाकी के राइडर लोग धीरे धीरे आ रहे। ये देखो भाई चाय, चाय बनाने का स्टाइल देखो भैया का, एक नंबर। ब्रेक ले ली हमने चाय पीने का क्योंकि बाकी के राइडर्स लोग आ रहे हैं, जस्ट निकलेंगे हम 5-10 मिनट में यहाँ से निकलेंगे। बचे हुए सारे बाइकर्स भी आ चुके हैं भाई, हमारी बाइक सारे सब खड़ी हुई है। ये कौन सी बाइक है भाई? ड्यूक, ड्यूक 390। हेलो भाई, क्या 3 KTM? 4 है भाई, 2 KTM 390, 2 ड्यूक है, एक ड्यूक 390, एक ड्यूक 250, ठीक है, और GT भाई ख़त्म इसके आगे तो है, पल्सर है, फिर हमारी एक्सपल्स और ये एक और ड्यूक। चलो चलते फिर। डन, हाय बोल दो भाई, हाय बोल दो। चलो भाई लोग, वेदर भी ऑल गुड, ये चालू कर दिए भगाना, कॉर्नरिंग कैप्चर करेंगे भाई इन लोगों की, ये लोग कॉर्नरिंग बहुत करते हैं। ये देखो इसको राइडर हमारा, भाई GT देख लो, GT पब्लिक रिएक्शन भाई, एग्जॉस्ट का आवाज सुन के कुत्ते पीछे पड़ते भाई। स्लो स्लो, क्या हो गया, हवा भरा रहा क्या भाई? वो लाया ला मैंने इन्फ्लेटर, इन्फ्लेटर लाया हुआ है। हाँ शिट, क्या क्रॉस लिया भाई उसने, बहुत रिस्की ड्राइविंग कर रहा है। हाँ शिट, क्या क्रॉस लिया भाई उसने, बहुत रिस्की ड्राइविंग कर रहा है। कल रात तक हम लोग को लग रहा था कि हम लोग 5 लोग जा रहे, फिर सुबह मॉर्निंग में एक और पता चला, एक राइडर ने बीच में कैंसिल कर दिया क्योंकि थोड़ा सा पर्सनल इश्यू उसको हो गए, उसने कैंसिल कर दिया था। हम लोग को लगा था ओनली 5 राइडर आ रहे, लेकिन भाई 8 राइडर हो गए। पब्लिक रिएक्शन देखो भाई, पब्लिक रिएक्शन ना, ये देखो रेव की साउंड सुनते से अट्रैक्शन आपका ध्यान जाता ही है भाई। बच्चे रिएक्शन बहुत अच्छे देते, मैंने ये बात बहुत बार नोटिस किया है। आप बस कुछ ना करो, बस बाइक आप लेके जा रहे हो ना, रोड से भी गुजर रहे हो ना, तो आपको एक वो देखते सी पहली बात तो स्माइल आपको इतनी प्यारी देते ना बच्चे लोग। राइडर लोगों को बहुत अच्छे रिएक्शन बच्चे लोग देते भाई, मेरे को तो ऐसा लग रहा। पाल जो है 29 किलोमीटर भाई, बोर्ड के ऊपर देखा मैं, वो बंदा ना बहुत डेंजर चला रहा है यार, KTM वाला, मतलब डेंजर बोले तो यार वो बहुत सही, एकदम जबरदस्त कॉर्नरिंग वगैरह कर रहा। ये देख लो भाई कॉर्नरिंग बहुत सही ले रहे तुम, कॉर्नरिंग सही ले रहे बोला, एक नंबर। हाँ, देखो क्या झुक के लिया उसने, एकदम घूम के आगे आगे चल रहा है वो, आगे बना हुआ है वो। ये देखो भाई, वही वही एकदम से आ गया था वो। तो भाई बहुत देखभाल के चलाना पड़ रहा, क्यों क्या हो रहा है, ऐसा ग्रुप चल रहा ना, बीच में स्पीड ब्रेकर आ रहा, एकदम से सामने वाला ब्रेक लगा रहा ना, तो क्लोज हो रहा भाई साले। गोली बेटा मस्ती नहीं, बेटा मस्ती नहीं, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, एकदम से झटके मार रही थी ना गाड़ी, फ्यूल में कुछ ये है क्या इशू?
चलो चलो। वो बंदे की गाड़ी थोड़ा सा कुछ झटका मार रही थी, कुछ इशू हो गया था, पता नहीं क्या इशू है भाई। रोड के ऊपर क्या सुखाए भाई ये? अरे ये रोड है ब्रो, रोड के ऊपर फलियां सुखाए इन्होंने, पीनट्स भाई रोड के ऊपर सुखा रहे पब्लिक। भाई गांव की पब्लिक बहुत डेंजर है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो भाई आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल, अगर आप मेरे सवाल का सही जवाब दे पाएंगे कमेंट सेक्शन में तो मुझे ज़रूर बताओ। मेरी गाड़ी का एवरेज है 40 का, लेट से 40। मुझे जाना और आना भी है 48 किलोमीटर दूर, तो मुझे कितने का फ्यूल भराना होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताइएगा। ओहो हो, इधर भी आ गई क्या नागमोड़ी? सांप वाला रास्ता भाई, पहाड़ दिख रहे हैं सामने से जबरदस्त यार। तुम कॉर्नरिंग मारते थे, गिरने वाले थे? भाई थोड़ा धीरे धीरे चलाओ, थोड़ा धीरे धीरे चलाओ, मेरे को कंटेंट मिल जाता, कंटेंट मिल जाता मेरे को। रिकामा मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। जोक सपाट, किसी के साथ ऐसा ना हो हादसा, बीच में एक्सीडेंट ना हो भाई। कॉर्नरिंग इतना इजी नहीं है जितना लगती है। वो हम लोग देख तो लेते हमारे फेवरेट मोटो जीपी ड्राइवर को, हाँ वैलेंटिनो रॉसी की वीडियो तो हम लोग देख लेते। वीडियो देखने के बाद हम खुद को वैलेंटिनो रॉसी समझने लगते हैं। ऐसी बात नहीं है भाई, यावल वन्य जीव अभयारण्य। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अभयारण्य पाल भाई, कुछ तो इनका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ये है, गेट वेट बना हुआ है। और यहाँ पर मैंने सुनने में आया है कि पाल के अंदर ना जो जंगली जानवर भी है, जैसे कि डियर, चीता, ठीक है, और नील गाय भी है। नील गाय, आई डोंट नो इंग्लिश में नील गाय को क्या बोलते हैं। अगर आप लोगों को पता है इंग्लिश में नील गाय को क्या बोलते तो भाई कमेंट कर सकते हैं आप। मेरे को नहीं मालूम आप लोगों को दिखा पा रहा नहीं दिखा पा रहा है, थोड़ा सा मैं स्टे कर लेता यहाँ पर। भाई ये देख लो व्यू पहाड़ के ऊपर, वहाँ पर पूरी खेत है और ऐसा धुंधला धुंधला लग रहा है मेरे को पूरा, मतलब बादल ही है। बादल इम्पोर्टेंट है बाबू, बादल बहुत सही, व्यू बहुत सही आ रहा। अभी मैं ज़्यादा ऊपर भी नहीं पहुँचे बट ठीक है, सो फार सो गुड, सही आ रहा है व्यू, बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। ये देखो भाई पहाड़ की पूरी रेंज दिख रही है भाई मेरे को, थोड़ा थोड़ा ऐसी छोटे 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 पहाड़, ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त। अच्छा वो आ गए भाई ट्रिप पे, ऑफ कोर्स भाई। भाई व्यू यार, वाह लव्ड इट भाई लव्ड इट, क्या व्यू है यार अमेजिंग। ये बीच में देखो राइडर्स लोग रुके ले हमारे सारे। भाई के साथ हादसा होते होते बच गया अभी। कॉर्नरिंग कर रहा था मैं, बोला मेरे को कंटेंट मिल जाता था। नहीं है भाई मजाक, ऐसे मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, सब सेफ रहे, अच्छे से राइड करे भाई। जबरदस्त भाई व्यू देख लो इधर का, व्यू चेक मारो यार, अगर कैमरे में अच्छे से दिख रहा ना। अरे आदमी छोड़ दी पूरा की पूरा, वो कॉलेज के पास में पूरा आदमी छोड़ दी उसने, और भाई वो डायरेक्ट ये भाई रुक गए, बोले क्या हुआ, चालू नहीं हो रही, मतलब भाई आदमी छोड़ दी गाड़ी, बीच में झटके मार रही थी ना तुम्हारी, डायरेक्ट आदमी छोड़ दी उसने पूरा की पूरा। तो कुछ फ्यूल में कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्या पता ये सेकंड टाइम हुआ मेरे साथ में। तुमने कहीं इधर उधर से पेट्रोल भराएंगे, कचरा अटक जाऊंगा, तो एक बार में से कचरा एक साथ आ जाता हूँ, तो पेट्रोल नहीं करता। फ्यूल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होंगी भाई वो कुछ। चलो चलने का क्या, मस्ट विजिट जगह है भाई, बारिश में तो एक और डेफिनेटली एक और राउंड आने वाला मैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये देखो ये देखो ये देखो, संडे राइड टू द पाल भाई, हल्लू हल्लू चलाओ। या जब भी अगर आप आएंगे पाल के रास्ते पे, घाट का रास्ता है, 30 की स्पीड लिमिट है, 30 की स्पीड लिमिट है भाई, स्लो स्लो आओ, धीरे धीरे आओ, अच्छे से आओ, ठीक है, बी सेफ, राइड सेफ भाई, मैं बार बार बोलता आप लोगों को। से नो टू वाइल्ड एनिमल अब्यूज़।
वाइल्ड एनिमल दिखेंगे तो अब्यूज कर पाएंगे ना भाई, वाइल्ड एनिमल सिटी में दिखते ही नहीं है। ओ भाई मारो मुझे मारो। पर ठीक है जहाँ भी अगर दिख रहे तो भाई अब्यूज मत करो। बोर्ड लगा था बोर्ड बहुत हल्लू से। अच्छा हाथ दिया क्या नो? समझदार ड्राइवर है भाई, ये चीज ब्रोकोड भाई ब्रोकोड। उसने खुद से हाथ दिया मेरे को भाई, तू आगे चला जा बोल रहा। जगह जगह व्यू पॉइंट बने हुए, लेक है दिख रही भाई। क्या है ये लेक है क्या है? छोटा सा पानी का स्पॉट है भाई। घाट में गोल गोल घूम के चक्कर आ जा रही। अरे भाई बोला कब खत्म होगा ये? मजा आ रहा पर भाई बाइक खड़ी हुई जबरदस्त, सबकी सब बाइक दूर से लेना पड़ेगा मेरे को। ये देखो भाई व्यू लाइक से 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एक लेक टाइप ऐसे जगह जगह वैसे ठहरने के स्पॉट बने हुए ऐसे। GT ट्विन 650cc ओनली। क्यों बेइज्जती होती क्या? बुरा लगता भाई, दिल से बुरा लगता, सीसी मत बताया करो। भाई मच्छी अच्छी है क्या इसमें? वो देख वो साफ दिख रहा है क्या है वो? नहीं नहीं जूता यार छोटे। फोटो ले लो बाइक का फोटो ले लो। ये प्रो है भाई, ये वीली बहुत प्रो है भाई। ये लोग घाट के ऊपर कॉर्नरिंग, ये भाई ये जितने केटीएम वाले सारे प्रो है भाई, एकदम कॉर्नरिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं लोग सब। मैं आगे भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, बोला कैमरे में आएंगे लेकिन निकली फटाफट निकल जा रहे आगे। मैं क्या बोलता ग्रुप का नाम उन केटीएम ग्रुप रख देते भाई, केटीएम ही ज्यादा है। 3 4 5 5 इधर 2 मिसिंग है। एक कॉर्नरिंग मारते हुए आए क्या फिर? अरे भाई साहब देखो कॉर्नरिंग मारते हुए एक एक प्रूफ देखो, प्रूफ कॉर्नरिंग का प्रूफ है ये। कुछ ज्यादा ही डाउन टू अर्थ कॉर्नरिंग भाई। कॉर्नरिंग बंदे ने ऐसी मारा देखो, पैंट फट गई भाई की। भाई इधर का भाई आगे जाना है, आगे कुछ नहीं, आगे नहीं जा रहे, आगे नहीं जा रहे, आगे नहीं जा रहे क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ तो स्पॉट वॉट कुछ तो होगा अच्छा, कुछ देखने लायक थोड़ा बहुत। अरे कुछ चीता वीता ही दिखा दो यार, कुछ तरीका है भीख मांगने का। बारिश में आना थोड़ा बहुत कुछ चीता हिरन, कुछ चीता हिरन भालू जाना है ना बारिश महीने बाद। क्या हो गया भाई? सुसाइड करने सोच रहा हूं। क्यों जाते ना क्या करेंगे? क्यों सुसाइड क्यों करना चाह रहा था? क्या हो गया तेरे साथ में? रिप्लाई नहीं कर रही क्या वो? ऐसा उधर आ रहा थी मिल रही। अरे मारे साले का खोपड़ी तोड़ दे। बैलेंस गलती है भाई। फेंको भाई फेंको, कंटेंट कंटेंट मिल रहा, फेंको फेंको भाई। ये बंदे के साथ ही रहना नदी में लेके गए थे तुम केटीएम? केटीएम ड्यू बादल को रहा, केटीएम ड्यू ऑफ रोड लेके गए थे। लेके चलेंगे तुमको, रुक जाओ सही है भाई। रास्ता ही नहीं है उधर चलाने लायक, रास्ता ही नहीं है डायरेक्ट नदी में चला रहे एमपी में उसका भी बहुत मुश्किल है वो। केटीएम वाला बोलेगा हमने गाड़ी बनाई थी हाईवे की, ये लेके जा रहे हैं लेक के अंदर। उतारूंगा नहीं गाड़ी वापस। सही है भाई जबरदस्त, ठीक है चलने का। पाल आए टच करे मतलब स्टार्टिंग में ही, और हम लोग निकल रहे अभी रिटर्न। ब्रेक लिया है थोड़ा सा चाय, और गेस व्हाट ये क्या है? तो भाई ये देखो हमारे RS 200 भाई गाड़ी को पहुंचते हुए। भाई गाड़ी नहीं है भाई, ये गर्लफ्रेंड है हमारी। गाड़ी नहीं है गर्लफ्रेंड है, अरे क्या बात है। लेकिन यार यहाँ में पिघल गाड़ी की मोहब्बत में भाई, हाँ क्या बात है। ये होता है भाई बाइक बाइक लव, ये होता है। देख लो देख ले तू। तू भी पहुंच ले तेरी गाड़ी को, भली मैं ना ना हूं लेकिन गाड़ी साफ दिखी भाई। क्या बात है क्या बात है। अच्छा मैं क्या बोल रहा, थोड़ा धीरे धीरे वो अपनी गाड़ी भी मतलब ये नहीं
लीवरी कॉस्ट पर कितनी है? कितनी है? 7,000 रुपए। 7,000 का एक लीवर है? 7,000 का लीवर है भाई, रॉयल एनफील्ड। सब इस चीज का वैसे, और कुछ ब्रांड लोखंड लोहा। ये देखो भाई पब्लिक रिएक्शन थोड़ा सा। जैसे का तैसा थोड़ा। इतना क्लोज लिया भाई उसने। ये ड्रोन शॉट लिए क्या आपने? लिए? मैंने बोला भाई को जब भी जाएंगे बोला करो, बोला घर को फिर भी आया करूंगा। अरे बोलना था ना यार भाई को फिर। तो भाई आपका ये YouTube चैनल पे डाले क्या? हाँ। क्या नाम से? प्रतीक। प्रतीक दीपके। भाई देखो ये ड्रोन शॉट लिए पाल का, जाम लोग अभी घूम के आए तो ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है मेरे को ड्रोन शॉट। ये भाई का चैनल चेक मारो। अभी आप रहते थे ना पूरी राइडर लोग कैप्चर होते थे उससे, बहुत अच्छा लगता मेरे पास में गोप्रो वगैरह सब कुछ आ गया। अरे भाई एक नंबर सही है। चलो भाई ठीक है, थैंक यू। देखो भाई फिर से चालू पड़ गए लोग। भाई कुछ तो मान लो भाई, KTM वाले मान रहे ही नहीं कुछ। भाई क्या रिस्की शॉट ले रहे हो एकदम। कट कट कुट बहुत गंदा भाई। ये भाई का नाम है एरिक्स। भाई की आईडी को फॉलो वगैरह करो, लाइक करो, शेयर करो। और ओ भाई RS 200, भाई की दोनों की आईडी लगा दूंगा मैं, दोनों को फॉलो करो। चलो वीर, चलो मिलते वीर। तो भाई अभी राइडर्स लोगों को सी ऑफ दे दिया है, सेंड ऑफ दे दिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे घर पे, मिलता हूँ आपसे घर पे जाने के बाद। तो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं हमारे घर पे सेफली सिक्योरली। गाड़ी मैंने लगा दिया है पार्किंग में और मज़ा आया गाइस, मज़ा आया। अब 3 घंटे में हम लोग रिटर्न आ गए। मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा बहुत हम लोग वहाँ पर रुकने वाले, लेकिन जो हमारा राइडर ग्रुप था उन्होंने कुछ ज़्यादा देर, मतलब पाल गांव के अंदर हिल स्टेशन के अंदर ज़्यादा अंदर नहीं गए हम, बस मेन स्पॉट पे जहाँ पर हम लोग रुके थे कुछ देर वहीं पर रुके और वहाँ पर थोड़े फोटोज़ वगैरह क्लिक करे एंड रिटर्न वापस वहाँ से हम लोग आ गए। तो अच्छी राइड थी, शॉर्ट राइड थी। 2-2.5 घंटे के अंदर सब लोग अपने अपने घर पर भी पहुँच गए। बस भाई देखते रहिए हमारा व्लॉग, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, ओवर एंड आउट। सब्सक्राइब कर दो। सो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। मेरा चेहरा मत डालना, मत डालना तो बोल रहा था।